को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देर रात है जो कांग्रेस ने अपनी एक सूची जारी की जिसमें नाम आया है यहाँ रेशमा मीणा। उसके बाद जो है जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो उनमें खासा नाराज है। इसी को लेकर मैं भी मौजूद हूँ पूर्व सुखबीर सिंह जी मीणा के घर पे, उनसे जानेंगे टिकट मिलने को लेकर वो कितना संतुष्ट है या असंतुष्ट। सर पहले तो आपका स्वागत, टिकट जो रात को घोषणा हुई इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो हाईकमान का फैसला हम सब स्वीकार करते हैं, परंतु एक बात के एतराज़ हमारे कार्यकर्ताओं को भी है, मुझे भी है कि पिछले 2008 में जो उम्मीदवार बागी चुनाव लड़ी थी 18 के में और कांग्रेस पार्टी को हराया था, CWC मेंबर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे, उनकी जानकारी में था और उस समय 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया था। उस उम्मीदवार ने कब तो PCC में अप्लाई किया कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा गलती नहीं करूंगी या चुनाव पार्टी गलत लड़ी, कब तो उसने अप्लाई किया PCC कब तो ऑर्डर निकले उसको पार्टी में लेने का, कुछ लोग मिलके हो पार्टी में आ गई करके माला पहना के और स्वागत कर लिया, फिर हाथों हाथ पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के बना दिया और बायस्ड होके जिस तरह से पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं उसकी नाराज़गी हमारे आम कार्यकर्ताओं में है। अभी सब कार्यकर्ताओं ने इन दिनों में बहुत मेहनत करके आम जनता का मन बनाया था कांग्रेस पार्टी को वोट देके और जिताने का, और निश्चित तौर पे सबको ये उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगा। चलो मैं एक बात के लिए मानता हूँ, भाई अगर किसी को एतराज़ था मुझे टिकट नहीं देना था तो किसी दूसरे व्यक्ति को देते, जिस व्यक्ति ने जिस महिला ने पिछले 5 साल से न किसी कार्यकर्ता के घर उठक बैठक, किसी मरण मौत में, न कहीं पार्टी मीटिंग में, न कहीं रैली में एक पैसे भर का कोई योगदान नहीं दिया, उस महिला को टिकट देके हमारे कार्यकर्ताओं को ये आदेश दें कि तुम पार्टी का काम करो, तो स्वाभाविक है पार्टी के कार्यकर्ता में नाराज़गी होना। आज सभी कार्यकर्ता नाराज़ होके आए हैं और आ भी रहे हैं। मैं इन सबसे आग्रह भी कर रहा हूँ, भाई पार्टी ने टिकट दिया है तो पार्टी के पक्ष में काम करना है। अब ये कितनी मानते हैं नहीं मानते इनके मन की बात है, परंतु मुझे इस बात का दुख है कि हम लगातार जनता के बीच में रहके पार्टी के हित में काम करते हैं। पिछले पंचायत राज का चुनाव जब हुआ था 5 साल होने जा रहे हैं, उस समय सराड़ा, जैसमन, पंचायत समिति सलूम्बर, पंचायत समिति जल्लारा, ये पंचायत समिति सेमारी, इन सब जगह कांग्रेस पार्टी को जिताने में हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा योगदान रहा। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बैठाए 35 साल से सलूम्बर में नगरपालिका भारतीय जनता पार्टी की थी और चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनता था, वहाँ कांग्रेस का चेयरमैन बनाया, तो हमने क्या गलती कर दी पार्टी के लिए के लिए जिन्होंने पार्टी ने हमको दरकिनार करके और ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जो पार्टी के खिलाफ काम किया, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी, पार्टी के आदेश नहीं माना और उस व्यक्ति को उस महिला को टिकट दे के और जो PCC लेवल से ऊपर की बात नहीं कहता हूँ मैं, प्रदेश कांग्रेस लेवल पे जो भी स्क्रीनिंग कमेटी में बैठे थे बायस्ड लोग भी थे उसमें कुछ लोग, उन्होंने गुमराह करके हमारे हाईकमान को जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया निश्चित तौर पे आपत्तिजनक भी है। पर हम यहाँ इतना ही कहेंगे कि पार्टी अगर इसी तरह से फैसले करती रही तो आने वाले समय में हमें जिन पार्टियों से लड़ना है उनसे लड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा। 2018 में वो बागी हुई थी आपके सामने, क्या आप भी इनका विरोध करेंगे या समर्थन कर देंगे? नहीं, मैं विरोध करके तो देखो मैं CWC का मेंबर रहा हूँ और बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, हमारे बाप दादों ने कांग्रेस पार्टी को सींचा है, उन्होंने इस पार्टी को खड़ी की है, तो हम पार्टी का नुकसान हो ऐसा काम कभी कर नहीं सकते हैं, परंतु कार्यकर्ताओं के मन की बात मैं टटोल नहीं सकता हूँ, कार्यकर्ता के मन में क्या है, कितनी नाराज़गी है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को समय समय पर संभालना पड़ता है
वो काम रेशमा देवी ने नहीं किया है, ये हमारी जानकारी में भी है, कार्यकर्ताओं की जानकारी में भी है, क्षेत्र की जानकारी में भी है। तो अब कार्यकर्ता कितने मन से काम करेंगे वो कार्यकर्ता पर डिपेंड करता है। मेरे साथ ब्लॉक अध्यक्ष संगनेश जी चौधरी है, जिन्होंने रात को इस्तीफा दिया है, वो क्या कहना चाहेंगे? जिंदाबाद मेवाड़ का एक की वीर रघुवीर रघुवीर। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी आपत्ति हाईकमान से है, मेरी आपत्ति देहात जिला से है कि पहले तो हमें बिना पूछे न तो सलम्बर ब्लॉक अध्यक्ष जान रहे, न मैं सराड़ा ब्लॉक अध्यक्ष जान रहा हूँ, न कोई मंडल अध्यक्ष जान रहे हैं, न हमसे कभी पूछा कि रेशमा जी को हम पार्टी में ले रहे हैं। बिना पूछे उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया था और 5 साल में ले लिया उनको। एक दूसरा, वो 2018 में बागी चुनाव लड़े, 2013 में उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया अप्रत्यक्ष रूप से, 18 में प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने खुला नुकसान किया और हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत की और वो कार्यकर्ता हमारे रोए, उन्होंने खाना नहीं खाया 2-2 दिन तक। और ऐसे प्रत्याशी को, ऐसे बागी को लाकर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाए, हम पूरे ब्लॉक वाले, शाम को मैंने भी इस्तीफा दे दिया है, सलम्बर ब्लॉक के अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है और सभी ने इस्तीफा, मंडल अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया और लगभग 85 समिति सदस्य सभी ने इस्तीफा दे दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ हाईकमान से, अभी जो इनके पर्यवेक्षक आए थे, 11 मंडल अध्यक्ष, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के सभी अध्यक्षों ने, पंचायत समिति सदस्यों ने, दोनों प्रधानों ने रघु सिंह जी मीणा के पक्ष में बात कही थी कि रघु सिंह जी मीणा ही सीट को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे जो सर्वे किया, तो वो पर्यवेक्षक किस काम के जिन्होंने आगे जाकर उस सर्वे को ही नकार दिया। दूसरा, 2018 में चुनाव बागी लड़ी, पंचायत समिति का चुनाव आए, देवपुरा से बागी लड़ी और हमारे पार्टी को, पार्टी के प्रत्याशी को हराया, और ऐसे प्रत्याशी को हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसा समर्थन करेंगे? तो अभी करोगे समर्थन या नहीं? हमारे तो कार्यकर्ता जो है, हम समर्थन नहीं करेंगे, हम नोटा का वोट दे देंगे, हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, जमानत जब्त कर, हम बाप को वोट नहीं देंगे, लेकिन हम नोटा का वोट देंगे इसके विरोध में। कोई जो कार्यकर्ता है उनसे हम बात करेंगे। जो टिकट लाए हैं, मेरा नाम नागेंद्र मीणा, पंचायत समिति सदस्य कतनौर नादोकर। मैं यूँ कहना चाहता हूँ, जो टिकट लाए हैं वो वोट दिलाएंगे, बाकी जमानत जब्त कराएंगे, हम तैयार है, साफ कुछ नहीं कहेंगे, हमारे दिल में दुख है, हम जिताएंगे। ये इस्तीफे लेके ये ऐसे पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हमारे दिल में रघुवीर सिंह मीणा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। ऐसे आदमी का हम कभी समर्थन नहीं कर सकते, हमने और इनको हराएंगे। हमने पार्टी की मीटिंगों में कई बार बुलाया, हमारे हाईकमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी और AICC के निर्देश दे के कहीं कहीं जहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन देना पड़ता था बीजेपी सरकार के खिलाफ, वहाँ हमने बुलाया। कभी आज तक एक मीटिंग में जो प्रत्याशी उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुआ और आज उसको पार्टी टिकट दे दिए, ये कहाँ तक न्याय उचित है? कुछ और कार्यकर्ता है, उनसे जानेंगे। सर्वप्रथम तो जो पर्यवेक्षक भेजे थे हाईकमान ने, उन पर्यवेक्षक ने फीडबैक लिया फील्ड से, पूरा 100% फीडबैक जाता है रघुवीर सिंह मीणा साहब के पक्ष में। उसके बावजूद भी कुछ षड्यंत्रकारियों ने मिल के साहब का टिकट कटवा दिया। 15 साल से वो लेडीज़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साहब के खिलाफ लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। 2018 में प्रत्यक्ष रूप से बागी लड़ी, 14,000 वोट लाया और सीधा कांग्रेस का वोट बैंक था, वो वोट बैंक बिल्कुल माइनस करके और रघुवीर सिंह जी मीणा साहब को हार दिलाई। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट चुनाव 2023 में भी उसी के कुछ वरिष्ठ नेता के साथ में उस लेडीज़ ने मिल के अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी को गर्त में पहुँचाया और कांग्रेस पार्टी को हार दिलाई। 2013 में भी यही स्थिति रही, 15 साल से हम साहब के पीछे और कांग्रेस पार्टी के पीछे मन तन मन धन से काम कर रहे हैं, लेकिन उस लेडीज़ और एक दो वरिष्ठ नेता के संपर्क में आने से उसने पूरी कांग्रेस पार्टी को सलूमर विधानसभा से गर्त में पहुंचा दिया है और ये पार्टी 50 साल तक उभर के नहीं आ सकती है सलूमर विधानसभा में। और यही हालत रही तो बिल्कुल ये पार्टी 50 साल के लिए ख़त्म है और जमानतें भी जब्त हो जाएगी। कुछ और कार्यकर्ता है, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जिसको हालाकमान ने जो टिकट दिया है, सलूमर में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में वरिष्ठ जो जिनको पदाधिकारी बना के भेजा था यहाँ की जो रिपोर्ट आगे हाईकमान को भेजने के लिए, तो जो रिपोर्ट जिस व्यक्ति ने जो सत्य की रिपोर्ट भेजी थी उस व्यक्ति की सत्य की रिपोर्ट पे ये निर्णय नहीं आया है। जिस कैंडिडेट का जो निर्णय दिया है वो सत्य की रिपोर्ट पे नहीं है। जो इनके साथ जो झूठ जो साथ में है, ये झूठ का रिजल्ट है जो अभी जिसको टिकट मिला है। और जिसको टिकट मिला है इस कैंडिडेट को तो मैं जानता भी नहीं हूँ,
कहाँ कहाँ है मैं जानता नहीं हूँ, क्यों कि मैं तो रघुवीर जी मीणा साहब को जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि हमारे जैसे व्यक्ति को रघुवीर जी मीणा ने आज आगे बढ़ाया है। हमें बोलना नहीं आता, ये बोलना सिखाने वाले भी हमारे रघुवीर जी मीणा साहब हैं। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कोई भी विपक्ष के खिलाफ कोई आंदोलन करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, कुछ भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, हर जगह कार्यालय में रघुवीर जी मीणा के साहब के सानिध्य में हर धरने में गए, हर धरने में आगे होकर हम खड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति को कैंडिडेट को टिकट दिया, इस व्यक्ति को मैंने आज तक ना तो ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय के मीटिंग में और ना इस क्षेत्र में कहीं मैंने देखा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं, 2018 में बागी होकर के कांग्रेस पार्टी का नियम क्या है, कांग्रेस पार्टी एक वो पार्टी है, उस पार्टी से बगावत करने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को टिकट देना है कांग्रेस पार्टी। हम वो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम पार्टी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। परंतु जिस व्यक्ति ने बगावत करके बागी होकर के निर्दलीय उम्मीदवार बन करके हमारी कांग्रेस पार्टी को हमको ही हराया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है, धन्य हो ऐसे आला कमान को। तो ये थे मेरे साथ रघुवीर जी के समर्थन में कार्यकर्ता। इनका कहना है कि हम जो है रेशमा को समर्थन नहीं करेंगे और हम नोटा को वोट देंगे। NIT